हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में अपन डिस्कस कर रहे थे पॉपुलेशन इकोलॉजी के बारे में, और उसी का ही अब दूसरा पार्ट है जिसमें हम डिस्कस करेंगे इकोफिन्स या इकेट्स, या इनको हम हैबिटेट फॉर्म्स भी कह सकते हैं। एक ही सजीव विशेषकर पादप प्रजाति के ऐसे समूह जो अलग अलग वातावरण में उगने के कारण सूक्ष्म या गौण विभिन्नताएँ प्रदर्शित करते हैं, इनको पारिज, हिंदी में पारिज बोलते हैं, या इंग्लिश में इकेट्स या इकोफिन्स कहते हैं। इसका मतलब ये है कि ऐसे इंडिविजुअल्स प्लांट्स के जो कि समूह में पाए जाते हैं, लेकिन वो अलग अलग वातावरण में उगने के कारण, अगर उनको अलग अलग वातावरण में उगाया जाता है या उगते हैं अलग अलग वातावरण में, तो उनके कारण उनमें सूक्ष्म या बहुत मिनिमम डिफरेंसेस आ जाते हैं, वो ऐसे डिफरेंसेस शो करते हैं। और इनको जो बोलते हैं, हालांकि वो एक ही पॉपुलेशन है, लेकिन एक ही समूह है, लेकिन अलग अलग वातावरण में ग्रोथ हो रही है उनकी, तो वो थोड़े बहुत डिफरेंसेस शो करते हैं। तो ऐसे जो ग्रुप होते हैं, ऐसे समूह जो होते हैं, उनको बोलते हैं इकेट्स या इकोफिन्स। लेकिन यदि इन पौधों को एक समान वातावरण में उगाया जाए तो इनकी भिन्नताएँ या असमानताएं विलुप्त हो जाती हैं। लेकिन वही अगर सेम, मैंने अभी आपको जैसे बताया कि इन प्लांट्स को अगर वापस एक ही वातावरण में, एक समान वातावरण में उगाया जाए, तो इनमें जो डिफरेंसेस या असमानताएं होती हैं वो विलोपित होती हैं, डिसॉल्व हो जाती हैं, विलोपित हो जाती हैं, एवं ये पूरी तरह एक समान लक्षण प्रदर्शित करने लगते हैं, एक जैसे हो जाते हैं। ये उपरोक्त परिभाषा से यह स्पष्ट होता है कि पॉपुलेशन या पारिज या जो इकोफिन है, हालांकि एक प्रजाति के सदस्य होते हैं, लेकिन इनमें जो लाक्षणिक असमानताएं दिखाई देती हैं एवं इनकी असमानताएं स्थायी या अनुवांशिक न होकर पूर्णतया अस्थायी एवं पारिस्थितिक जन्य होती हैं। यह भी कहा जा सकता है कि इन पौधों को यदि एक समान वातावरण में एवं परिस्थितियों में उगाया जाए, तो कुछ पीढ़ियों के बाद ये फिर से अपनी मूल प्रजाति के लाक्षणिक गुण एवं समानताएं प्रदर्शित करते हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट ये है कि इन पौधों को यदि एक समान वातावरण एवं परिस्थितियों में उगाया जाए, तो कुछ पीढ़ियों के बाद ये फिर से अपनी मूल प्रजाति के लाक्षणिक गुण एवं समानताएँ प्रदर्शित करते हैं। इस प्रकार एक ही प्रजाति के विभिन्न इकेट्स या इकोफिन्स अनेक अकारिकी या कायिक लक्षणों, जैसे कायिक भागों की साइज़, पत्तियों की संख्या, तने की लंबाई, पुष्प की खुशबू या रंग एवं पौधों की आकृति इत्यादि में असमानता प्रदर्शित करते हैं, लेकिन ये एक ही अनुवांशिक शाखा से संबंधित होते हैं, अर्थात सभी इकेट्स अनुवांशिक रूप से समान होते हैं, इनका जो जेनेटिक्स होती है वो सेम होता है। इनकी विभिन्न कायिक एवं अकारिकी विभिन्नताएं वातावरण द्वारा प्रभावित होती हैं, अर्थात वातावरण द्वारा उत्पन्न होती हैं। इस प्रकार की असमानताएं या भिन्नताएं चिरस्थायी, परमानेंट न होकर पूर्णतया अस्थायी या रिवर्सिबल होती हैं। मैंने आपको बताया कि ये वापस क्या होते हैं, अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाते हैं अगर इनको सेम कंडीशंस में, एनवायरमेंटल कंडीशंस में रखा जाए, तो ये रिवर्सिबल होती हैं, जो इनकी भिन्नताएँ आई हैं, डिफरेंसेस आए हैं। यदि किसी एक ही प्रकार के इकेट को भिन्न वातावरण में उगाया जाए, तो इसके पादप शरीर में नवीन वातावरण के अनुसार कायिक, मतलब एनाटमी और इनकी जो फिजियोलॉजी है, वो क्या कहते हैं, कैरेक्टर्स हैं, वो उत्पन्न हो जाएंगे। इसी प्रकार अनेक इकेट्स को जो अलग अलग वातावरण में उगते हैं एवं जिनकी अकारिकीय संरचना में अनेक भिन्नता पाई जाती हैं, यदि एक समान जलवायु एवं वातावरण में उगाए जाए, तो इनके पादप शरीर में भी अपने फिजियोलॉजी और एनाटमी के जो कैरेक्टर्स हैं में समानता प्रदर्शित करते हैं, अर्थात इनकी भिन्नताएँ विलोपित हो जाती हैं। तो ये जो डेफिनेशन थी या एक्सप्लेनेशन था अबाउट इकेट्स या इकोफिन्स। पांडे 1962 के अनुसार दो घास प्रजातियाँ
जैसे एग्जांपल ले रहे हैं अपन यहाँ पे, ये है बॉट्रिकोला परसुटा एवं डायकैंथियम कारियोकोसम के पौधों को यदि विभिन्न प्रकार की जलवायु एवं मृदा परिस्थितियों में उगाया जाए तो इनकी जो एनाटॉमी है और इनकी जो पादे शरीर की लंबाई और कल्ब्स की संख्या, प्रत्येक संधि स्तंभ में स्पाइक्स की संख्या और प्रत्येक स्पाइक में स्पाइकलेट्स की संख्या एवं टोटल सीड आउटपुट इत्यादि जो हैं इनके लक्षणों में इनके जो एकेट्स भिन्नता प्रदर्शित करते हैं। इन घासों के एकेट्स में ये विभिन्नताएं अनेक एनवायरनमेंट, सॉयल एवं जो बायोटिक फैक्टर्स हैं, या यही कहना चाहिए जो क्लाइमेटिक हैं, एडेप्टिव फैक्टर्स हैं या बायोटिक फैक्टर्स के द्वारा उत्पन्न होती हैं। ये जो अलग अलग जिनमें कैरेक्टर्स डेवलप हुए एकेट्स में, ये इनके क्लाइमेटिक, एडेप्टिव और बायोटिक फैक्टर्स के कारण डेवलप होती हैं, जिनमें पशुओं द्वारा चराई की मात्रा, इनमें जो ग्रेजिंग ऑफ जो एनिमल्स हैं वो भी आता है, और दूसरा सॉयल मॉइस्चर एंड इंटेंसिटी ऑफ ग्रेजिंग, सॉयल मॉइस्चर भी होता है इसमें। और उपयुक्त घासों में प्रत्येक में दो प्रकार के इकेट्स पाए जाते हैं, वी इकेट पादप जो संक्षिप्त प्रोटेक्टेड ग्रासलैंड्स में उगते हैं, इनका पादप स्वभाव एवं टोकरी के समान बैस्केट टाइप ऑफ हैबिट दिखाई देता है, जबकि वे पारिज या इकेट्स घास प्रजातियाँ जो अत्यधिक चराई वाले क्षेत्रों में उगती हैं उनका पादप स्वभाव एवं आकृति प्लेट के समान सॉसर टाइप हो जाती है। ये इनके स्ट्रक्चर में फ़र्क आ जाता है अलग अलग एनवायरनमेंट में ग्रो करने के कारण। और पशुओं द्वारा चराई के कारण इन घासों में तने के सीधेपन, इरेक्टनेस ऑफ स्टेम एंड नंबर ऑफ स्पाइकलेट्स इत्यादि में भी कमी आ जाती है। इसके अतिरिक्त फिजियोलॉजिकल वेरिएशंस में भी डिफरेंस आता है, जैसे पुष्पन का अपेक्षाकृत जल्दी प्रारंभ होना, इनिशिएशन ऑफ अर्ली फ्लावरिंग, तथा पत्तियों एवं अन्य पादप भागों में लाल रंग के वर्णक, रेड पिगमेंट की उत्पत्ति इत्यादि। मतलब ये जो हैं जो क्लाइमेटिक फैक्टर्स हैं उनके कारण ये जो कैरेक्टर्स हैं इनमें कैट्स में डेवलप हो जाते हैं। अब नेक्स्ट अपन लेते हैं इकोटाइप्स। इस प्रकार के रोचक एवं विशिष्ट पौधों को पारिस्थितिक अथवा कारकी जातियाँ, इकोलॉजिकल या फिजियोलॉजिकल रेसेस भी कहा जाता है। इस श्रेणी में उन पौधों को सम्मिलित किया जाता है जो कि एक ही पादप प्रजाति से संबंधित होने के बावजूद भी आपस में न केवल अकारकी लक्षणों अपितु कुछ कायिक लक्षणों में भी असमानता या विभिन्नता प्रदर्शित करते हैं। ये उल्टा है इसका, मतलब ये है तदनुसार एक ही प्रजाति के वे पादप प्रारूप जो कि एक दूसरे से कुछ बाह्य अकारकी एवं कारकीय लक्षणों, फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर्स में भिन्नता प्रदर्शित करते हैं, उनको इकोटाइप्स कहा जाता है। ठीक है, जो इकोलॉजिकल कैरेक्टर्स, फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर्स जो होते हैं अलग हो जाते हैं उनके, उनको इकोटाइप्स हैं, वो एक ही प्रजाति के लेकिन बिकॉज इनमें अलग हो जाती है, डिफ्रेंसीशन हो जाता है, फिजियोलॉजिकल डिफ्रेंसेज हो जाते हैं, उन समूहों को हम इकोटाइप्स कहते हैं। हालांकि एक पादप प्रजाति में इकोटाइप्स का विकास अर्थात इनके सदस्यों में भिन्नता वातावरण के परिवर्तन के कारण उत्पन्न होती है, लेकिन यदि इन पौधों को समान वातावरण में रखा जाए तब भी इनके आकारिकी लक्षणों की भिन्नता विलोपित नहीं होती। ये ऑपोजिट है इकेट्स से। इकेट्स में तो क्या होता था कि सेम एनवायरनमेंट में रखो तो उनके जो कैरेक्टर्स होते थे वापस नॉर्मल हो जाते थे और सेम कैरेक्टर्स शो करते थे, जबकि इनमें ये होता है कि इनको, इन इकोटाइप्स को अगर आप सेम एनवायरनमेंट में भी रखते हैं तो इनके जो डिफरेंसेस हैं वो एनाटॉमिकल डिफरेंसेस या फिजियोलॉजिकल डिफरेंसेस वो आपको बिल्कुल कैरेक्टरिस्ट दिखाई देंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स, और इनमें जो भिन्नता होती है लक्षणों में विलोपित नहीं होती है, डिसअपियर नहीं होती, तथा ये पौधे एक समान दिखाई देते हैं। इससे स्पष्ट है कि
इको टाइप्स में विकसित अकारिकीय भिन्नताएँ आगे चलकर अनुवांशिक रूप से स्थाई जेनेटिकली फिक्स्ड हो जाती हैं। जो अलग अलग जगहों पे होती हैं वो जेनेटिकली क्या होती हैं, फिक्स्ड हो जाती हैं, इसलिए वो अलग अलग कैरेक्टर शो करती हैं एवं आगे आने वाली पीढ़ियों में भी दृष्टिगोचर होती हैं। ट्यूरेसन 1922 के अनुसार इको टाइप किसी पारिस्थितिक प्रजाति इको स्पीशीज़ की किसी विशेष आवास स्थली के प्रति प्रदर्शित जीन प्रारूपी जीनोटिपिकल रिस्पॉन्स का परिणाम है। एक बात पुनः सुन लें, इको टाइप जो होता है किसी पारिस्थितिक प्रजाति जिसको हम इको स्पीशीज़ की कहते हैं कि विशेष आवास स्थली के प्रति प्रदर्शित जीनोटिपिकल रिस्पॉन्स की का परिणाम है। इको टाइप्स में भारत में सर्वप्रथम जो है मिश्रा और राव 1940 द्वारा अध्ययन किया गया। इनके द्वारा जो स्क्रोफिलोरेसी के सदस्य हैं लिंडबर्गिया पॉलियंथा के विभिन्न प्रारूपों के बारे में जानकारी दी गई। इसके पश्चात अनेक पारिस्थितिकी विज्ञानियों ने इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण अध्ययन कर यूफोबिहेटा, यूफोर्बिया, थाइमिफोलिया, कैसिया टोरा, जैंथियम स्ट्रूमेरियम के प्रारूपों में विभिन्न विवेचना प्रस्तुत की। रामकृष्ण 1961 के अनुसार प्रकृति में यूफोर्बिहेटा के दो प्रारूप इकोटाइप्स पाए जाते हैं जिनमें से प्रत्येक के दो इकेट भी होते हैं। ये निम्न प्रकार के हैं, इकोटाइप 1 और इकोटाइप 2। इकोटाइप 1 में उधर पादप शरीर, यह पौधा नम आवासों या मॉइस्ट लोकेलिटीज़ में पाया जाता है, और इकोटाइप 2 में पादप शरीर श्यान या प्रोस्ट्रेट होते हैं। इसमें दो प्रकार की पारिज या इकेट्स पाए जाते हैं। पारिज वन एक जो है, इकेट वन जो है पादप शरीर श्यान यह शुष्क एवं कठोर मृदा में उगता है, और जो इकेट टू है यह पादप शरीर श्यान संतुलन प्रोस्ट्रेट कॉम्पैक्ट, यह पौधा सड़कों के किनारे फुटपाथ पर पाया जाता है। किसी पादप प्रजाति के पारिज एवं एकेड एवं परिप्रारूपों में उत्पत्ति एवं विकास के कारण इस प्रजाति विशेष का वितरण क्षेत्र अत्यंत व्यापक वाइडर डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। परिप्रारूपों की नवीन पादप समष्टियों के विकसित हो जाने के बाद वह प्रजाति बदलती हुई परिस्थितियों के साथ आसानी से सामंजस्य स्थापित कर लेती हैं या परिस्थितियों के बदलाव के अनुरूप अपने आप को ढाल लेती हैं। इस प्रकार जो एकेड्स और इनके जो प्रारूप हैं कि किसी पादप प्रजाति में उत्पत्ति बदलती हुई परिस्थितियों में इसके अस्तित्व के लिए आवश्यक होती है।